हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुजाता शेट्टी है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और डिजिटल मार्केटर हूँ। तो मुझे बहुत से कॉल आते हैं कि मैम, हमने फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट्स के सेशंस तो अटेंड कर लिए, ट्रेनिंग्स तो अटेंड कर लिए, मोटिवेटेड ट्रेनिंग्स हमें दिखाई दी, हमने आईडी भी बना ली, बट एक्चुअली इसमें वर्क क्या करना होता है हमें ये नहीं समझ में आया। हमने 3-4 दिन से तो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, बट एक्चुअली में वर्क क्या करना होता है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी कि एक्चुअली फॉरवर्ड में जब अगर आप आईडी बना लेते हो या फिर ट्रेनिंग्स वगैरह कर लेते हो तो उसके बाद एक्चुअली आपको करना क्या होता है। तो फॉरवर्ड में दो ही तरीके से वर्क होता है। तो पहला तरीका ये होता है कि जैसे कि फॉरवर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट्स को पहले आपको यूज़ करना होता है। वो प्रोडक्ट खुद आप यूज़ करोगे, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, उसके क्या क्या यूजेस है, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये सब की नॉलेज आपको लेना होता है। तो मतलब आपको एक प्रोडक्ट यूज़र बनना होता है पहले, तो आपको पहले प्रोडक्ट खुद यूज़ करना होता है, उससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिला तो वो आपको सामने वालों को सजेस्ट करना होता है, उससे क्या बेनिफिट मिला और क्या नहीं, उसके क्या साइड इफेक्ट शायद आपको हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये सब आपको मतलब सामने वाले को रिकमेंड करना होता है। जैसे कि और अगर सामने वाला अगर प्रोडक्ट यूज़ भी कर लेता है तो फिर अगर वो प्रोडक्ट्स में अगर इंटरेस्टेड रहता है तो फिर उसको अगर कंपनी के बारे में जानना होगा या बिजनेस करना होगा तो इस तरीके से, तो फिर आप उनको ज्वाइन करवाते हो तो उससे आपको कमीशन मिलता है। मैं आपको एक एग्जांपल की तरफ बताती हूँ। जैसे कि अभी हम लेडीज़ हैं, अगर हम कुछ प्रोडक्ट्स अगर बाहर से लेके आ रहे हैं, कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो या फिर हेयर प्रोडक्ट्स हो, कुछ भी प्रोडक्ट हो, तो हम क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स लिया हमने तो उनको फिर हम यूज़ करते हैं और फिर सामने वाले को, हम हमारे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को वगैरह या फिर फ्रेंड सर्कल में हम उनको बताते हैं कि मैंने इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ किया है, मुझे इसका ये बेनिफिट हुआ, मेरी स्किन ग्लो होने लगी, मेरे हेयर्स बढ़ने लगे, इस टाइप का हम सजेस्ट करते हैं उनको, हम मतलब गाइड करते हैं या फिर उनको हम बताते हैं कि मुझे ये बेनिफिट मिला, बट उससे हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन वही काम अगर आप फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट्स के लिए करते हो, अगर आप कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उससे आपको अगर बेनिफिट मिलता है और आप सामने वालों को सजेस्ट करते हो और सामने वाले ने वो प्रोडक्ट आपके आईडी से या आपके पास से ले लिया तो उसका आपको कमीशन मिलता है। तो कमीशन के अलग अलग लेवल्स होते हैं, तो इस टाइप का आपको मतलब यहाँ पे कमीशन मिलता है। और दूसरा तरीका यही है कि अगर वो खुद प्रोडक्ट यूज़र है, वो उसने प्रोडक्ट भी यूज़ कर लिया और उसके अच्छे से बेनिफिट भी मिल गए उसको उस प्रोडक्ट्स के, और फिर वो अगर इंटरेस्टेड रहती है कंपनी के बारे में जानने के लिए, कंपनी ज्वाइन करने के लिए, तो अगर वो भी हमारे साथ ज्वाइन करती है और वो भी सेम वर्क करती है कि वो भी प्रोडक्ट्स किसी को रिकमेंड करती है या खुद यूज़ करती है, तो उससे भी हमें कमीशन मिलता है। तो मतलब एक तो हमें खुद प्रोडक्ट यूज़र बनना होता है, तो दो ही तरीके से वर्क होता है इसमें। एक तो आपको खुद प्रोडक्ट रिटेल करना होता है, रिटेल बोल सकते हैं, या फिर रिकमेंड करके आपके प्रोडक्ट्स रिटेल हो जाते हैं, या फिर आपको आपके अंडर किसी को ज्वाइन करवाना होता है जो अगर वो खुद इंटरेस्टेड रहते हैं बिजनेस करने में, अगर वो ज्वाइन होता है तो यहाँ से भी आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। तो फॉरेन में इसी दो ही तरीके से आपको काम करना होता है, इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल कुछ नहीं है, तो यही दो ही तरीके से आपको वर्क करना होता है। तो होप्स सो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉरेवर लिविंग प्रोडक्ट्स अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको क्या काम होता है। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियोस को, लाइक कीजिए, और ऐसे ही मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।